नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजगुरु शर्मा, आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बड़े विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि जब इंसान पर कर्ज हो जाता है या शरीर में मर्ज हो जाता है तो वह उस इंसान की जिंदगी नरक बन जाती है, उस इंसान का जीवन ही खराब हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी में बीमारी या कर्ज आदमी के सिर पर हो जाता है, शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, तो उस आदमी को जीने का मकसद ही खत्म हो जाता है। क्योंकि इंसान हर चीज से लड़ सकता है लेकिन कर्ज से और मर्ज से नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये दो चीजें इंसान को बेकार कर देती है, इंसान को जीते जी कर देती है खत्म। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं इसका उपाय बड़े विस्तार से बताना चाहता हूँ कि कर्ज और मर्ज को घर से कैसे भगाया जाए, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी, इनका समाधान कैसे होगा। तो मेरे दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा शब्द ज्ञान चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर हमारी ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो देखने के लिए मिलती रहे, और लाइक एंड शेयर भी करें और मुझे कमेंट भी करें। तो मेरे दोस्तों, मैं जो आज बताने जा रहा हूँ, ये जो कर्ज होता है ये जिंदगी को बेकार कर देता है, जीवन को खराब कर देता है। आदमी हर चीज से लड़ सकता है, हर चीज को झेल सकता है, लेकिन आदमी जो झुकता है सिर्फ कर्ज से झुकता है और मर्ज से। जब कर्ज हो जाता है सर पे तो इंसान कठपुतली बन जाता है, एक कसाई के सामने जैसे गाय खड़ी कांपती है और ना खा सकती है, ना पी सकती है और ना कभी घूम फिर सकती है। इसी तरीका से जब आदमी पे, इंसान पे, पुरुष पे जब कर्ज हो जाता है तो वो भी कर्ज की कठपुतली बन जाती है और जिंदगी बन जाती है नरक। तो मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी टेंशन है कर्ज, बहुत बड़ा दर्द है कर्ज और बहुत बड़ी सिरदर्दी है कर्ज। तो मेरे दोस्तों, कर्ज और मर्ज इंसान को बेकार कर देता है। तो इसका उपाय, इससे मुक्ति पाने की विधि मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, आप बड़े विस्तार से इसको सुनिए, बड़े ध्यान लगाकर सुनिए। अगर आप रोजाना देंगे 5 लोटा जल, अगर आप रोजाना देंगे 5 लोटा जल तांबे के लोटे से, तो आपका कर्ज और मर्ज से छुटकारा मिल सकता है, आपका समाधान हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक तांबे का लोटा लेकर आइए, आप उस लोटे को शाम को भर के अपने सिरियाने रख के सो जाइए, पलंग के, बेड के या खाट के, जो भी आप जहाँ पर सोते हो या नीचे धरती में सोते हो, तो आप सिरियाने सिर के ऊपर उसे रख कर सो जाइए, या यदि खाट है तो खाट के नीचे रखे सिरियाने, बेड के नीचे रखे सिरियाने, अगर नीचे सोते हैं तो पीछे रख सकते हो सर के। तो उस लोटे को आप भर के रख दीजिए और सुबह उठकर सबसे पहले उस लोटे के जल को आप पिए, वो लोटे का जल आपको पीना है। इससे हमारे शरीर के विषाणु, जहरीले विषाणु जो होते हैं हमारे पेट के अंदर, जो दिक्कत होती है गैस की, कब्ज की, वो सब खत्म हो जाती है। सबसे पहले हर दिन उठते ही सबसे पहले आपको ये लोटा तांबे का भरा हुआ जल का आपको पीना है। उसके बाद आप फ्रेश होने के बाद अपने घर की पूरी सफाई कीजिए, पूरे घर को वातावरण साफ कीजिए और अच्छी तरह साफ कीजिए। उसके बाद आप नहा धोकर आप अपनी रोजाना की तरह पूजा पाठ करें, भजन कीर्तन करें। उसके बाद आप एक लोटा सबसे पहले जल अपने पितृ देवताओं को देना चाहिए, अपने पितृ देवताओं को नहलाना चाहिए, और दूसरा लोटा आप अपने सूर्य देवता को दीजिए। पहला लोटा तो देना है आपको अपने पितृ देवताओं को, दूसरा लोटा जल का भर के देना है अपने सूर्य देवता को, और तीसरा लोटा भरकर देना है शिवलिंग को, जाकर नहलाना है शिवलिंग को, जाकर नहलाना है शिवलिंग को, भोले जी के को। और चौथा आपको तुलसी में देना है, एक लोटा है, एक लोटा भर के आपको तुलसी के पेड़ में देना है। और पांचवा लोटा आपको गाय के खूंटे पर देना है। अगर गाय का खूंटा नहीं है आपके पास, गाय का उपलब्ध नहीं है, गाय आपके पास नहीं है, नजदीक नहीं है, तो आप एक लोटा डेली जो पंछियों की छत पे रखे दाना पानी डालते हैं, डाला करो, वहां एक बर्तन रहता है मिट्टी का बना हुआ पका हुआ, उसमें पंछियों के लिए पानी रखा जाता है, तो आप उसमें पंछियों के लिए पानी डाला कर एक लोटा डेली।
तो आपको एक लोटा सुबह देवता को देना, अपने पितृ देवता को, दूसरा सूर्य देवता को देना, तीसरा शिवलिंग महाराज पे चढ़ाना है, और चौथा तुलसी के पौधे में देना है, और पांचवा या तो खूंटा पे दीजिए गाय के पे, या आप पंछियों के लिए उसमें डाल दीजिए बर्तन में छत पे। तो आपको ये डेली प्रक्रिया करनी है 41 दिन। आप जब 41 दिन ये प्रक्रिया लगातार करोगे तो आपका कर्ज और मर्ज आपके शरीर से खत्म हो जाएगा, और कर्ज जिंदगी से दूर हो जाएगा और मर्ज आपके शरीर से खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये जो मैंने विधि बताई है, इसे बड़े विस्तार से कीजिए, मन लगा कर कीजिए, विश्वास करके कीजिए। जब भी आप लोटे को जल को देते हो, यानी जब आप पितृ देवताओं को आप जल दोगे, तो उनसे प्रार्थना करना, हे मेरे पितृ देवी देवताओं, अगर मुझसे कोई गलती हो क्षमा करो, और मेरे जीवन का निवारण करो, मेरे दुखों संकटों को हर लो, और उनसे प्रार्थना करो कि मेरे जो कर्ज से और मर्ज से मुक्ति दिलाइए। तो आप जिस जब भी आप जिस जिस देवता को लोटा जल का दे रहे हैं, जिसकी पितृ देवता को, फिर सूर्य देवता को, ऐसी वारी वारी से उनसे प्रार्थना करते रहिए। जब भी आप लोटे को जल का लोटा देते हो, जैसे कि पितृ देवता को दे रहे हो पहले, तो पितृ देवता से प्रार्थना कीजिए, दूसरा लोटा जल का दे रहे हैं सूर्य देवता को, तो सूर्य देवता से प्रार्थना कीजिए, और तीसरा लोटा आप दे रहे हैं शिवलिंग महाराज को, तो आप वहाँ भी यही प्रार्थना कीजिए, और चौथा दे रहे हैं आप तुलसी के पेड़ में, तो आप वहाँ भी यही प्रार्थना कीजिए, और जब आप पांच में गाय के खूंटा पे या पंछियों को वहां डालते हो, तो वहां भी बैठकर आप प्रार्थना कीजिए कि मुझे कर्ज से मुक्ति मिलनी चाहिए, मुझे मर्ज से मुक्ति मिलनी चाहिए, मेरा समाधान, मेरा निवारण कीजिए। आपको ये 41 दिन प्रक्रिया करनी है मेरे दोस्तों। आपको